लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक दिवसीय गया दौरे के क्रम में बोधगया पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए चिराग ने सीएम नीतीश पर जमकर निशाना साधा। चिराग ने कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के सही से निर्वहन तो नहीं किए और बनने चले हैं 2024 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। साथ ही आपको सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। ये निर्णय लिया है बिहार के हित में लिया गया, ये निर्णय नहीं है। और जो पार्टी, जो राजनीतिक दल विश्वास मत जनता का खो चुकी है, वो सदन में विश्वास मत हासिल करें उसके कोई मान्य बचते नहीं है। भाई नेताओं का विश्वास मत लेकर आप क्या कर लेंगे जब आप जनता का विश्वास मत खो चुके हैं। और यही कारण है कि जब से ये सरकार बनी है एक के बाद एक गलत कारणों से आपके चैनल पे ये सुर्खियां बनती है। ये सरकार कभी शपथ के दिन ही इनके कानून मंत्री के ऊपर वारंट आ जाता है, कभी मंत्रियों के परिजन सरकारी बैठकों में बैठे हुए दिख जाते, कभी मुख्यमंत्री जब बोलते हैं कि अरे 10 लाख या 20 लाख रोजगार ले जाओ, और जब लोग रोजगार लेने आते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। कोई भूल सकता है अनिसुर रहमान की वो तस्वीरें, किस तरीके से, किस बर्बरता से अनिसुर रहमान के ऊपर लाठियां चलाई गई थी। एक युवा बिहार का जो अभ्यर्थी, जो भर्ती के लिए अपनी जायज मांग को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहा है।